से ये सरकार बनाई, जिससे जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ। आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये है विक्रम आदित्य सिंह, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके इस बागी तेवरों ने हिमाचल में सियासी भूचाल ला दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस आला कमान और मुख्यमंत्री सुक्खू पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने 6 बार के सीएम रहे पिता वीरभद्र सिंह अपने और विधायकों के अपमान का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दिल का दर्द बयां किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए और सुक्खू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ। इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक है, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूँ। इसलिए रिजाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी है उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमांड को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है, बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उनको लेकर आलाकमान की अनदेखी बताई जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी उसे भुला दिया गया। जिस वीरभद्र सिंह के नाम पर सरकार बनी उनकी मूर्ति लगाने के लिए शिमला में जमीन नहीं मिली। बार बार बोलने के बाद भी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा नहीं लगाई गई। हिमाचल की जनता की भावनाएं वीरभद्र सिंह से जुड़ी हैं। पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक है, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इस चीज़ पर जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ। इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक है, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। वो सुक्खू सरकार में PWD मंत्री थे। विक्रमादित्य सिंह अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए थे। इससे पहले विक्रमादित्य कई बार पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में हिमाचल से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और आखिरकार बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन जीत गए। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का सियासी संकट है, अब देखना होगा कि उसका अंजाम क्या होता है।
कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती है या फिर बीजेपी कोई बड़ा खेला करती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।